हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल सा एक रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चीज़ पराठा। बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाता है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। इसके लिए मैं पहले ले लेती हूँ एक बोल। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बो कटोरी मैदा और एक कटोरी आटा। आप चाहे तो ये पूरा मैदा या पूरा आटा से भी ये पराठा बना सकते हैं। अभी इसमें मैं दे देती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसको आप हाथों से अच्छी तरह से गूंद लीजिए। अभी आप इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके ऐसे स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह से, और फिर 15 मिनट के लिए इसको एक किचन टॉवल से ऐसे छोड़ दीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए मेरा डो बन के रेडी है। अभी आप इसमें थोड़ा सा और आटा लेकर इसके दोबारा से और एक बार गूंद लीजिए अच्छी तरह से। मेरा एक बन के रेडी है, ये देखिए आप, मैंने कितना पतला बेला। इसको बहुत ही पतले तरीके से बेल लीजिए। अभी आप इसमें थोड़ा सा बटर इसे लगा लीजिए। आप चाहे तो घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटर दिया। इस तरह से चारों ओर लगा लीजिए। अभी आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए। अभी बीच में आप चीज़ दे दीजिए। चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं, और चीज़ के क्वांटिटी आप अपने हिसाब से दें। किसी का सा धनिया पत्ता और ग्रीन चिली, आप चाहे तो ग्रीन चिली ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को ये खाना पसंद नहीं है, फिर इसको इसी तरह फोल्ड कर दीजिए और साइड में से इस तरह से प्रेस कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए।
ये देखिए इस तरह से होगा। मैंने गैस ऑन कर दिया और एक तवा ले दिया, इसमें आप ऑयल दे दीजिए। ये मेरा बन गया है, अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। ये देखिए सेम प्रोसेस से मैं और एक बना लेती हूँ। मैंने सेम प्रोसेस से सारे बेल लिए, अभी इसको फ्राई करूँगी। मेरा सारा पराठा बनके रेडी है। ये देखिए मेरा सारा पराठा बनके रेडी है। ये बनाना बहुत ही इजी है, ये ऊपर से एकदम क्रंची है और ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट या टिफिन वगैरह है। अगर आपको आज का ये मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।